मध्य प्रदेश में बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा में उमड़ा जनसैलाब। क्या मामा का फिर चलेगा जादू? क्या शिवराज फिर बनेंगे दोबारा सीएम? मध्य प्रदेश की जनता ने जो बोला, विपक्षी खेमे में मच गई हलचल। जन आशीर्वाद यात्रा क्या जोड़ पाएगी जनता को अपने साथ? बीजेपी ने ताल तो ठोकी, राजनाथ भी उतरे और उतरे जेपी नड्डा भी। क्या मामा को फिर से सत्ता पर लौटा पाएंगे? मैंने भी जनता से बात की, क्या जनता इस आशीर्वाद यात्रा में तो आई है, लेकिन क्या आशीर्वाद के साथ या सिर्फ तमाशबीन बनने? क्या कुछ हुआ, कैसी है ये यात्रा, आइए दिखाता हूँ मैं अपनी इस विशेष रिपोर्ट में। युद्ध के नगाड़े बज चुके हैं, शंखनाद हो चुका है, क्योंकि मध्य प्रदेश में चुनावी लहर है। अब सवाल है कि क्या जीत का भगवा फहराएगी बीजेपी? क्या एक बार फिर से मध्य प्रदेश में कमल खिलेगा? क्योंकि बीजेपी ने जन आशीर्वाद यात्रा निकाली तो जन सैलाब उमड़ पड़ा। जी हाँ, मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी जन जन का आशीर्वाद लेने मैदान में उतर चुकी है। 18 दिन तक चलने वाली जन आशीर्वाद यात्रा का आगाज 3 सितंबर से विंध्य के चित्रकूट से बीजेपी के अध्यक्ष नड्डा द्वारा हुआ। उन्होंने मध्य प्रदेश के 20 सालों का रिपोर्ट जनता के सामने प्रदर्शित करते हुए कांग्रेस को चुनौती दे दी। प्रधानमंत्री आवास योजना में मध्य प्रदेश नंबर एक पर खड़ा है, जबकि कमलनाथ ने इस आवास योजना को अपने शासन के समय में डिरेल करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। कमलनाथ ने आवास योजना की लिस्ट दिल्ली पहुंचने ही नहीं दी थी, उसके बावजूद भी पिछले 3 साल में शिवराज सिंह ने मेहनत करके मध्य प्रदेश को आवास योजना में नंबर एक पर पहुंचा दिया है। ये हमको ध्यान में रखना चाहिए। इसके बाद 4 सितंबर को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जन आशीर्वाद यात्रा में जोश फूंका और नीमच से यात्रा को नई दिशा दी। यदि मैं ये कहूं कि आपके मामा शिवराज सिंह चौहान या राजनीति के धोनी हैं, तो यह कहना अतिशयोक्तिपूर्ण नहीं होगा। मैं राजनीति का धोनी इसलिए कह रहा हूं, मैं इन्हें लगभग 30 वर्षों से मैं जानता हूं। शुरुआत चाहे जैसी भी हो, लेकिन अच्छी फिनिश देकर वह क्रिकेट का मैदान जीतना जानते हैं, यह शिवराज सिंह जी चौहान की एक अद्भुत कला है। हालांकि इस यात्रा पर पत्थरबाजी की खबर भी आई, लेकिन मामा ने तुरंत एक्शन लेते हुए एक नजीर पेश की। वहीं इस यात्रा में 5 सितंबर को देश के गृह मंत्री अमित शाह ने जन आशीर्वाद यात्रा में भाग लिया और नया बिगुल फूंका और कहा कि मध्य प्रदेश में अगली बार 150 सीटों के साथ फिर से बीजेपी की सरकार बनेगी। हमारे शिवराज सिंह चौहान ने इसको बेमिसाल प्रदेश बनाकर आगे बढ़ाने का काम किया है। मध्य प्रदेश ऐसे राज्यों में सबसे पहला राज्य है जिसने मेरे आदिवासी भाइयों बहनों के लिए पेशा के कानून को जमीन पर उतारने का काम किया है। वहीं सीएम शिवराज सिंह भी जन आशीर्वाद यात्रा में अपनी सहभागिता देने से कोई कसर नहीं छोड़ रहे। कांग्रेस को चुनौती देते हुए सीएम शिवराज सिंह ने कहा कि ये साहस भारतीय जनता पार्टी में ही है कि हम अपना रिपोर्ट कार्ड लेकर जनता के बीच जा रहे हैं, और ये बताने के लिए हमारी विकास रथ जो सरकार की उपलब्धि है, हमारा रिपोर्ट कार्ड जो माननीय अमित शाह जी ने जारी किया था, उसको जनता के सामने रखेंगे। ये साहस भारतीय जनता पार्टी में ही है कि हम अपना रिपोर्ट कार्ड लेकर जनता के बीच जा रहे हैं। हमने जो काम किया उसको मुझे अब विस्तार से बताने की जरूरत नहीं है। 18 दिन तक चलने वाली जन आशीर्वाद यात्रा का समापन 25 सितंबर को खुद पीएम मोदी करने जा रहे हैं। वहीं मध्य प्रदेश की जनता इस जन आशीर्वाद यात्रा पर क्या सोच रही है, आप वो भी देखिए। बुलडोजर तो यहाँ भी चल रहे हैं, बुलडोजर चल रहा है, अपराधियों के यहाँ चल रहे हैं, अपराधियों के यहाँ चल रहे हैं। मामा का स्पष्ट कहना है, जो अपराध करेगा वो नहीं बचेगा, जो अपराध करेगा वो नहीं बचेगा। चलना चाहिए क्या बुलडोजर? चलना चाहिए। अपराध कानून में सभी के लिए एक प्रावधान है। कमलनाथ ने किया क्या? पहले भी जो बने थे मुख्यमंत्री क्या किया? किसी से बात करना भी पसंद नहीं किया उन्होंने। शिवराज सिंह का मुकाबला ना पहले कभी किया था ना आगे कभी करेंगे। कह रहे हैं कि 1500 रुपए कर देंगे। नहीं, 1500 रुपए नहीं देंगे, 1500 की बात अलग है। 1500 रुपए नहीं मिलेंगे। भारतीय जनता पार्टी
इस वर्ष इस चुनाव में रिकॉर्ड तोड़ मतों से सीटों से जीतेगी। आज की बात मेरी लिख लो, 150 से ऊपर सीट भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश में आएगी। 2/3 बहुमत से मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार शिवराज जी के नेतृत्व में बनने जा रही। शिवराज जी आ रहे हैं दोबारा? बिल्कुल दोबारा आए नहीं, चौथी बार आ रहे हैं, आएंगे। फिलहाल देखना होगा कि मध्य प्रदेश में जन आशीर्वाद यात्रा में जो भीड़ उमड़ रही है, क्या वो वोटों में तब्दील हो पाएगी, ये देखने वाली बात होगी। तो आप भी अपनी नजरें बनाए रखिए, साथ ही इस वीडियो को शेयर कीजिए और जुड़े रहिए हेडलाइंस इंडिया के साथ।